तो फाइनली यहां पर मैंने फिर से स्पिन किया है एंड क्या मिलेगा? ओ भाई सब कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे यार बंडल, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, बंडल भी काफी ओपी होने वाला है, यानी कि यहाँ पर मुझे बंडल मिल चुका है। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? तो फाइनली हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है एक न्यू सिब्बा रॉयल, ठीक है, जिसके अंदर आप सभी को ना M1014 का स्किन मिलने वाला है। इसके अलावा देखो इमोट मिलेगा, बंडल, कुछ गनों की स्किन, कुछ क्रेट्स मिलने वाले है। तो गाइस कैसे गेट करना है एंड हाँ यहाँ पर आप लोग ना कम से कम डायमंड्स के अंदर कैसे गेट कर पाओगे, ठीक है, उसकी ना एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूँ एंड हाँ सीरियसली अगर उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप लोग भी यहाँ से गेट कर पाओगे एंड अगर बिल्कुल ही फ्री में अगर आपको स्पिन करना है एंड गाइस अगर आपको ना M10 का जो स्किन होने वाला है बंडल एंड जो इमोट है उसको भी गेट करना है ना, तो वो भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कर लेना। तो चलिए फिर टाइमर बात नहीं करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे न्यू लक रॉयल के अंदर आप सभी को ना एक दूसरा सिब्बा गन M10 करके एक दूसरा लक रॉयल देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि ये ना एक पेट होने वाला है, लेकिन नहीं भाई लोग, ठीक है, ये ना एक गन का स्किन है M1014 का। जी हाँ भाई, लेकिन क्या ही तो मजाक चल रहा है, ठीक है, इन लोगों ने क्या ही तो चीज बना दी है यहाँ पर सिब्बा को। और उसका एट्रीब्यूट भी आप लोग देख सकते हैं कि डबल डैमेज आपको ना प्लस में देखने को मिलेगा, कुछ आर्मर प्रोटेक्शन जो कि माइनस में होने वाला है एंड यहाँ पर देखो भाई मल्ले की कैसा स्किन है गाइस, ठीक है, कुछ गन का यहाँ पर आपको डिजाइन भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर पेट होने वाला, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर पेट का मीन्स कि आपको सिब्बा का दूसरा एक इमोट देखने को मिलेगा, ठीक है, काफी ओपी। मल्ले की देखो इस लक रोल के अंदर ना यही एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर बंडर भी काफी ओपी है, मीन्स के देखो उतना ओपी नहीं है लेकिन बंडल भी काफी मजेदार लगा है एंड यहाँ पर आपको एक व्हीकल का स्किन देखने को मिलेगा एंड ये जो टोकन होने वाले हैं ना इसी टोकन से आप लोग जो कि रिवॉर्ड्स होने वाले इमेंट्स के देखो यहाँ पर इमोट जो कि M10 का जो स्किन होने वाला है बंडल उनको एक्सचेंज कर पाओगे। अब देखो मेरी साइड के अंदर एक भी डायमंड नहीं है ना, तो मैं आपको दूसरी आईडी जो कि मेरे अंदर पहले से पड़ी है, मतलब कि काफी दिनों से पड़े हैं उसके अंदर डायमंड, तो उसके अंदर मैं आपको स्पिन करके दिखाता हूँ कि कितने डायमंड यहाँ पर आपको लगने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको स्पिन करना चाहिए भी या नहीं, ठीक है। तो गाइस फाइनली प्रीव्यू तो हो चुका है एंड देखो मेरी दूसरी आईडी के अंदर कुछ डायमंड पड़े है, तो मैं आपके सामने स्पिन करके दिखा देता हूँ कितने डायमंड के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो पहले स्पिन के अंदर फाइनली यहाँ पर मुझे टोकन मिला है। अब देखो यहाँ पर मैं 10 का स्पिन तो कर नहीं सकता क्योंकि इतने डायमंड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 14 डायमंड का जो स्पिन होने वाला वही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वापस स्पिन किया है एंड क्या चीज मिलेगी, भाई साहब लेके देख रहे ना यहाँ पर वापस टोकन मिले हैं। अब देखो यहाँ पर गाइस आप जितने भी स्पिन करोगे ना शायद टोकन ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वापस स्पिन किया है एंड ओ भाई साहब फाइनली गाइस, अरे यार बंडल, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ठीक है, बंडल भी काफी ओपी है लेकिन क्या ही तो बात है, मतलब कितने डायमंड्स के अंदर फाइनली मुझे मिल चुका मुझे यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से आपको ना 200 डायमंड्स के अंदर कोई बढ़िया चीज तो मिल ही सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो मुझे 200 डायमंड के अंदर बंडल मिल चुका है। अब चलो यहाँ पर M10 का स्किन भी गेट करना है ना, तो वापस स्पिन करते हैं एंड क्या चीज मिलेगी इस बार, भाई साहब मतलब की टोकन यहाँ पर मेरे पास 4 टोकन हो चुके हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो अगर ज्यादा टोकन मिलते हैं ना तो भी यहाँ से हम सिब्बा का जो मतलब की M10 का स्किन होने वाला है उसको भी गेट कर पाएंगे, ठीक है, काफी बढ़िया स्किन होने वाला, मतलब की क्या है बताओ गाइस, ठीक है। तो भाई साहब लेके क्या चीज मिल रही गाइस, यहाँ पर डायमंड भी मेरे पास बहुत ही कम है एंड टोकन भी बहुत ही ज्यादा चाहिए, ठीक है। मैंने कि देखो जो M10 का स्किन है ना उसको गेट करने के लिए मुझे 14 टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा, उतने टोकन तो नहीं मिलेंगे लेकिन कोई बात नहीं, जो भी टोकन मिलता है, ठीक है भाई। गनों के क्रिएट क्यों मिलते हैं, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है यार अच्छा नहीं लगता है, टोकन मिलेंगे ना वो चलेगा लेकिन यार ऐसे गनों के क्रिएट तो मत दिया करो यार, दिल से बुरा लगता है, मतलब कि क्या ही बताऊं, ठीक है। एक तो बहुत ही कम डायमंड है उसमें भी ये फालतू के रिवॉर्ड्स दे दिया करते हैं, देख रहे हो ना गाइस क्या है तो सीन कर दिया इन लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर मुझे 10 टोकन चाहिए थे जो कि यहाँ पर कुछ पेट है ना उसको एक्सचेंज करने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास 10 टोकन हो चुके हैं, तो गाइस मैं एक्सचेंज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आपको सारे के सारे रिवॉर्ड्स को गेट करना है या तो जो M1014 का स्किन है ना वो आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 14 टोकन, तो गाइस देखो अगर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स गेट करने मीन्स की यहाँ पर जो रेयर रिवॉर्ड्स होने वाले हैं उनको गेट करने में आपको 2000 या तो 3000 डायमंड खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है, उतना सस्ते में तो आपको मिलेगा नहीं
एंड आपके सामने यहाँ पर मैंने स्पिन करके भी दिखा दिया कि कितने डायमंड आपके लग सकते हैं। तो देखो अगर कम डायमंड्स यानी कि आपके पास 1000 के करीब डायमंड है ना, तो भी आप लोग स्पिन मत कीजिएगा, फिर भी आपकी मर्जी मान ली कि आपका लक बढ़िया है ना तो डायरेक्टली पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यही कुछ आज का लक रोल होने वाला है। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल ऑफ गाइस।